गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को मेरे को एकदम से पता नहीं ठंडा लगा इसलिए मैं जैकेट निकाल के पहन ली। अभी जर्मनी क्रॉस कर रहे हैं हम सुबह सुबह, और मैंने बाद में देखा कि यहाँ पे सुबह उठ के कि यहाँ पे एक टेम्परेचर का नॉब है जिसको घुमा के मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ असर हुआ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था और हवा फिर भी थोड़ी आ रही है। और स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब तो हीटर जैसी हवा आ रही थी, और ये परमानेंटली बंद भी नहीं होता है, तो अच्छे से मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ पे इसका नॉब है कम ज़्यादा करने का हवा को, पता नहीं जो भी है। बाकी ट्रेन में मुझे बाहर थोड़ा गर्म ही लग रहा था, बस अंदर मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है। बाकी चिल है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैकेट वैकेट पहनने से हो गया था, बट काफ़ी मज़ा आया इसमें। और अभी भी गाड़ी अच्छी चल रही है एकदम। और एक चीज़ ये है कि जर्मनी और नेदरलैंड्स के अलावा बाकी जगह अपन लेफ्ट में चलते हैं, तो ट्रैक इस साइड होता है। यहाँ जर्मनी में अभी अपन राइट में चल रहे हैं इसलिए ट्रैक अभी दूसरे साइड पे है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बटर है, जैम है, ब्रेड है, शुगर और ये तो इसके लिए है, गर्मा गर्म इसके लिए, बट ठीक है कुछ तो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और हवा अभी गर्म आनी चालू हो गई है, वो टेम्परेचर का नॉब शायद मेरे को इस साइड घुमाना था, तो अभी गर्म हवा थोड़ी आनी चालू हो गई है तो अभी बेटर है। बट ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो अच्छा होता, क्योंकि रात में मेरे को उठ के जैकेट नहीं पहनना पड़ता, बट ठीक है फर्स्ट टाइम था, मज़ा आया। अभी वैसे जर्नी बाकी है और 2-2.5 घंटे हैं, खाते ही हैं। मेरा स्टेशन तो बिफोर टाइम ही आ गया उतरे, और एक चीज़ जो मेरे को दिखानी थी वो ये है कि यहाँ पे शावर भी है, तो शावर भी ले सकते हैं यहाँ पे। और नेदरलैंड्स का इंजन लगा हुआ है अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है ये ये पता नहीं खुलेगा कि नहीं, बट हाँ मैं यहीं उतरूँगा। बाय। जल्दी आ गए यहाँ पे बिफोर टाइम। तो स्विट्ज़रलैंड के यहाँ पे 5 कोचेस थे, 2 स्लीपर थे, पीछे 3 बैठने के कोचेस थे, और उसके आगे जर्मनी से कुछ कोचेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी ट्रेन कहाँ आने वाली है, देन हाग सेंट्रल ये है मेरी, बट मैं ये पकड़ नहीं पाऊँगा शायद। आउच, गंदा पोपट होने वाला है मेरा। इसका ये बैठने वाला भी एकदम खाली ही आया है, उतना ऐसे भरा हुआ नहीं है, कम ही लोग हैं, आराम से सो के जाया जा सकता था, ठीक है मतलब। मेरी गाड़ी यहाँ से अब शायद 5-10 मिनट बाद है, यहाँ से जर्मनी के कोचेस चालू हो गए, ये जो DB वाले कोचेस हैं ना। और मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म 7 पे आएगी, और 7 तो यही है। नाइस, मतलब मैं इस ट्रेन को और थोड़ा दिखा सकता हूँ। ओह ये ट्रेन तो चल दी, अच्छा ये केवल डिपार्टिंग है इसलिए ये बिफोर टाइम ही निकल जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। नाइस, अच्छा है, मैं कैप्चर कर लूँगा। ये सारे जर्मनी के कोचेस हैं जो लोग जर्मनी से आ रहे हैं रात भर का सफ़र करके, ये जर्मनी का नाइट जेट कोच, यहाँ जर्मनी के शायद 3 हैं, बासिल से एम्स्टर्डम, अच्छा बासिल से लगे हैं ये, बासिल से बाद में लगे होंगे, जर्मनी से नहीं लगे हैं। वही मैं सोच रहा था यार कि इस ट्रेन को 12.5 घंटे कैसे लगते हैं पहुँचने में, ये बिफोर टाइम ही पहुँचा दी मुझे, तो मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो। और मेरे को आज का दिन एकदम ऐसे आराम करना था, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे काम होता है और उस दिन तो थक जाते हैं आके, और ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है जो कि मेरे को इम्प्रूव करना है, बट उससे सैटरडे संडे में एकदम से घूमता हूँ वेकेशन मोड में, और वापस जब आता हूँ संडे को और रियलिटी हिट करती है मुझे, तो ऐसा लगता है कि बाप रे ऑफिस। एनीवेज इसलिए आज मैंने सोचा था कि इस वीकेंड एक दिन खुद को देते हैं, आज मैं खुद को ऐसे थोड़ा पैम्पर करूँगा, कुछ तो TV देखूँगा, कुछ टाइम पास करूँगा, बहुत लोगों से बातें करूँगा, यही प्लान है आज का तो मेरा।
थोड़ा बहुत लंच और डिनर का शॉपिंग करना पड़ेगा ताकि लंच डिनर बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, बट हाँ इन शॉर्ट मेरा यही प्लान है। और हाँ ईयू रेल पास का मेरे को एक और दिन एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा आज, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे नया चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन के लिए कोई काउंटर बनानी है, बट चेकआउट के लिए आम्स्टरडैम में दिखाना पड़ता है, आई गेस वो मुझे करना पड़ेगा। सुबह सुबह का टाइम है तो एम्स्टरडैम साउथ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरा दिन आराम करना है ये सोच सोच के ही मेरे को अंदर से खुशी हो रही है। आराम मतलब कुछ ना कुछ टाइम पास करूँगा, और बहुत लोगों से मैंने लाइन अप करके रखा है कि बातें करनी है, तो आज वो दिन है। और मेरी इंडिया आने की डेट्स फिक्स हो गई है, मैं जल्दी इंडिया वापस आऊँगा, उसका व्लॉग तो आएगा ही, साथ में क्या तैयारी करता हूँ। और मेरे को यहाँ पे अब थोड़ा ऐसे नॉस्टैल्जिक तो लगने लगा, मतलब जैसे भी मैं कुछ देखता हूँ ना, जैसे स्टेशन वगैरह भी देखा तो इंडिया के किसी इसकी याद आ जाती है, इंडिया की कोई इमेज आ जाती है दिमाग में, तो अब याद तो आने लगी है। तो यस एक्साइटेड टू गो बैक। अभी मैं दूध और कुछ कुछ और ग्रोसरीज लूँगा, स्विट्ज़रलैंड में देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा सस्ता ही लगेगा यहाँ पर अब, तो बस कुछ कुछ ख़रीद के आई विल बी हेडिंग बैक होम।